अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अदिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बज चुके हैं और सुबह तो मैंने कपड़े धो दिए थे, वो सब कुछ सूख गए। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अंदर डाल दिया और फिर उसके बाद हम यहीं पर बैठ गए थे, क्योंकि इस वक्त ना आजकल, पहले तो गर्मी का मौसम था तो हम ज़्यादा इस बालकनी में नहीं बैठते थे, बस अभी तो मौसम अच्छा होने लगा है और बारिश का मौसम भी है तो अच्छी खासी ठंडी हवा आती रहती है, तो पीछे का व्यू भी अच्छा है। तो ज़्यादातर ना हम 4 बजे के बाद यहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सब लोग यहीं पर बैठ जाते हैं, हम, मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो अभी फ़िलहाल बच्चे खेल रहे हैं और इनको मुझे दूध देना था तो वो भी मैंने दे दिया, पी लिए। और शाम में तो मुझे कुछ भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है आज, और मैंने काले चने भी में डाल दिए थे तो शाम में मैं और मेरे हस्बैंड वो खा लेंगे रात में डिनर में। और बच्चों के लिए तो डोसा बैटर है तो उसके चीले डाल दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। और ना हमारे प्लांटिंग किए हुए जो भी मैंने प्लांट्स लाए थे वो सब कुछ हमारा प्लांटिंग हो चुका है, पॉट्स में मैंने लगा दिया, बस आज ही मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। उस दिन हम कर सकते थे लेकिन उस दिन बहुत रात हो गई थी, बहुत देर हो गई थी तो मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया था, बस ऐसे ही सब कुछ प्लांट करने के बाद फिर मैं घर के कामों में लग गई थी। और फाइनली आज मैं अपने सारे प्लांट्स उनके जगहों में रख दिया है। तो अभी ना घर में एक अलग सा चेंज आ गया है, कुछ मैंने यहीं पर रखा है बालकनी में और कुछ मैंने बेडरूम में रखा है और कुछ हॉल में भी रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो अच्छा लग रहा है, हॉल का लुक तो एकदम चेंज हो चुका है और अभी ये छोटे छोटे चेंजेस ना अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आपको मैं एक बार दिखाऊंगी कैसे, कहां पर मैंने कौन से प्लांट्स मैंने कहां पर रखा है, आपको दिखाऊंगी। पॉट्स को ना मैंने ही कलर किया था और अभी अच्छे दिख रहे हैं। और ये रोज़ प्लांट्स सारे मैंने बालकनी में रख दिए और अभी यहाँ पर हॉल में आप देख सकते हैं टीवी के एकदम नीचे मैंने एक पॉट रख दिया है। एक प्लांट मैंने यहाँ पर दहलीज के बाजू को वॉल के पास मैंने रख दिया और यहीं पर हम बैठते हैं हॉल में, और चेयर्स के बाजू एक मैंने यहाँ पर रख दिया। और अभी हम चलेंगे बेडरूम में, तो यहाँ पर बेडरूम में सुहाना का स्टडी टेबल यहीं पर रहता है तो स्टडी टेबल के पास मैंने एक और यहाँ पर रख दिया है। चल रही हूँ बाहर, तो बाहर मेन एंट्रेंस में मैंने डोर के पास ये प्लांट को मैंने यहाँ रख दिया, बड़ा वाला प्लांट। और यहाँ पर ना पहले मैं एलोवेरा प्लांट्स रखती थी और अभी वो मैंने हटा दिया है, अच्छे नहीं लग रहे थे तो उसके प्लेस में मैंने ये रख दिया है। आयान क्या करते हैं? पानी डालते हैं। हाय बोलो, इधर इधर हाय बोलो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अदिया।
लाइक करो बोलो, एन लाइक करो बोलो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। बस लो उसे, अभी कितना डालते हो उसे, इधर डालो, इधर डालो, इधर ब्लू कलर को डालो, ब्लू कलर, ब्लू कलर पॉट को डालो। आया नहीं है? वो आया। किसके वो प्लांट्स, किसके? दीदी के, बाबू के। दीदी के, बाबू के, दीदी के, बाबू के, दीदी के, नो दोनों के। ओके, अयान का, अयान का कौन सा? दीदी का ये। अयान का कलर कौन सा? दीदी का ये। नो मेरे का है, मेरे का। अयान का कौन सा? अयान का कौन सा, कौन सा कलर अयान बाबू का? अयान का कौन सा कलर है? ये दीदी का। ये क्या कलर है? ये बाबू का। अच्छा लो, वो क्या कलर, वो बोलो, ये क्या कलर? व्हाइट। हैं? व्हाइट है। क्या कलर ये? ब्लू कलर। ये क्या कलर? येलो कलर। ये रेड कलर। ये क्या कलर? ये क्या कलर है? ये क्या कलर? ये क्या कलर? रेड कलर। तो अभी मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ रात में काले चने की चाट, और मैंने दोपहर में ही इनको भीगने डाल दिए थे, बस और एक 1 आवर इनको ऐसे ही रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको उबालकर अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा बहुत प्याज और लेमन जूस और थोड़ा चाट मसाला ऐड करके हम खा लेंगे। मेरा और मेरे हस्बैंड का डिनर तो अभी यही है, और बच्चों के लिए तो डोसा बैटर है, वो तो उनको डोसा डाल के दे दूँगी। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े घड़ी करके रख रही हूँ जो सुबह मैंने धोने डाल दिए थे, और बस इसके बाद तो मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। फिर अभी मैं आपको सीधे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और आज ना सुबह सुबह मेरे इन लॉस आने वाले हैं, सुहाना के दादा दादी, तो अभी मैं यहाँ पर सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बस अभी मेरे हस्बैंड गए थे उनको लेकर आने, तो और एक 5 to 10 minutes में आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं नाश्ते का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है, तो नाश्ते में अभी बन रहा है मूंग की दाल के छीले पेसरट्टू बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले चटनी को प्रिपेयर कर लिया है। अभी टाइम 7 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर अभी मूंग दाल को धो रही हूँ, रात में ही मैंने भिगने डाल दिए थे, बस अभी मैं इसे धो के अच्छी तरह से बैटर प्रिपेयर कर लूँगी ग्राइंड करके। और बच्चे तो सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे, बस और थोड़ी देर के बाद उठाऊंगी। अगर आयान को उठाऊंगी ना तो फिर मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते हैं, बस उनको उनके उठने से पहले ही मैं अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ सुबह। सुहाना के दादा दादी आ चुके हैं और इनको अभी मैं नाश्ता दे दूंगी, तो आकर 10 लहाजे तो हो चुका है उनको। और अभी मैं यहाँ पर नमक मिला रही हूँ आटे में, फिर उसके बाद मैं नाश्ता डाल दूंगी सबके लिए। Thank you.
पर आप देख सकते हैं सुहाना के दादी को, और आगे आपको सुहाना के दादा भी दिखेंगे। बस ये था आज का मेरा व्लॉग, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।